हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सफलता क्लासेस में। तो फटाफट से करते हैं सेशन की शुरुआत। आज है 12th of December, मंडे का दिन। एंड मंडे हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, रीजन मीन क्योंकि तीन दिन के आपके न्यूज़ का कलेक्शन होता है, सैटरडे इवनिंग एंड संडे एंड मंडे मॉर्निंग, राइट। तो ऑफकोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि यहाँ कलेक्शन ऑफ न्यूज़ होती है। तो मॉर्निंग मोटिवेशन से अपने सेशन की करते हैं शुरुआत। और कहा जा रहा है, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपने देखना अलग बात होती है और उनका पूरा होना अलग बात होती है। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे तो नहीं होते हैं, होते कहते हैं जब तक आप उनके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं करते हो, जब तक आप काम नहीं करते हो। एंड ऑफकोर्स अगर हमें छोटी से छोटी चीज़ भी अकम्प्लिश करनी है लाइफ में, तो हमें उनके लिए कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, राइट। तो सपने देखना बड़ी बात नहीं होती, सपने को पूरा करना बड़ी बात होती है। एंड पूरा आप तभी कर पाएंगे यदि आप उनके लिए एफर्ट्स करेंगे। एफर्ट्स करने का सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सबसे पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, फिर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, टारगेट्स बनाने हैं, पर डे टारगेट्स बनाने हैं, पर डे टारगेट्स को अचीव करना है टू द फुलेस्ट। एंड उसके बाद ही सक्सेस आपके हाथों में होगी, राइट। ओके, तो इसी के साथ सेशन का करते हैं शुभारंभ और देखते हैं भाई कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स का डेली तड़का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी पिछले सेशन में यानी कि सैटरडे के सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और हर न्यूज़ से कोई भी अगर स्टार्टिंग जीके निकल रही है तो उसको भी ऑफकोर्स हम लोग अलग से पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखते हैं पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा। पीएम किसान अपडेट, 13th installment टू बी रिलीज इन दिसंबर। भैया दिसंबर के महीने में पीएम किसान योजना, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था कब लॉन्च हुई, क्या होगा, तो इसकी 13th installment जो है यहाँ पर रिलीज करी जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी किस्त रिलीज करी जाएगी, राइट। तो 13th installment पीएम किसान योजना की रिलीज की जा रही है। अब क्योंकि ये योजना न्यूज़ में है तो इसकी कब लॉन्चिंग हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। टेक्नोटेक्स, ये एक 2023 एक टाइप ऑफ समिट रही थी, कहाँ, मुंबई में रहेगी ये 22 से 24 फरवरी 2023 तक। इसके बारे में हमने देखा कि टेक्नोटेक्स यानी कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को कैसे लाया जाए, इस बारे में बातचीत होगी। और इसके बारे में हमने काफ़ी बात की थी और ये मुंबई में 22 से 24 फरवरी 2023 में होने वाली है। इसके बाद और क्या होने वाला है फरवरी में, ऑफकोर्स वर्ल्ड हिंदी समिट फिजी में, वो भी हमने बताया था। ह्यूमन राइट्स डे 2022 कब मनाया गया, 10 दिसंबर को ये दिवस हमने मनाया। इसकी थीम, इसके बारे में सब कुछ, कब से ये मनाया जा रहा है, कौन मनाता है, ये भी हमने देखा। डीना बॉल्यूरेट, ये क्या बनी है, बॉल्यूआर्टे, ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट, जब भी फर्स्ट आ जाए तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है डीना बॉल्यूआर्टे, राइट। फिर कहा जा रहा है भूपेंद्र पटेल जो है वापस से गुजरात के सीएम बन गए हैं और 12 तारीख यानी कि ये आज के दिन अपनी शपथ ग्रहण सेरेमनी है इनकी, तो ये शपथ ले लेंगे भूपेंद्र पटेल जी, राइट। अनीश थोपानी सिल्वर मेडल जीते अंडर 15 कैटेगरी बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप्स में। डायरेक्ट क्वेश्चन, अनीश थोपानी हाल ही में न्यूज़ में थे, ये किस स्पोर्ट्स में, तो बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप अंडर 15 कैटेगरी की रही थी, जो जिसमें अनीश थोपानी जी ने सिल्वर मेडल जीता है। अब ये कहाँ पे रही थी, वेन्यू का क्या रहा था इस चैंपियनशिप का, ये सारी बात हमने पिछले सेशन में की थी। 17th Asian Pacific रीजनल मीटिंग, ये आपकी हाल ही में रही, कैसे क्या, अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो इसके बारे में एलैबोरेटेड वे में हमने डिस्कस किया था। आंध्र प्रदेश बॉर्न इंडियन अमेरिकन कृष्णा वविलाला ने यूएस प्रेसिडेंशियल अवार्ड जीता। यूएस प्रेसिडेंशियल अवार्ड वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड होता है यूएस सरकार द्वारा। और आंध्र प्रदेश में जन्मे भारतीय मूल के अमरीकी कृष्णा वविवाला जी ने ये मेडल जीता है, ये अवार्ड जीता है, राइट, प्रेसिडेंशियल अवार्ड यूएस का। ओके, तो इसी के साथ साथ भैया यहाँ पर जो भी पिछले सेशन में हुआ ये बातचीत तो पूरी हो गई। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, अब बढ़ते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट सुर्खियों पे। कहा जा रहा है सुखविंदर सिंह सुखू हिमाचल प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ ली है इन्होंने और मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम बने हैं। तो यहाँ पर सीएम और डिप्टी सीएम का पद हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी आ चुका है। आपने जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से गुजरात और हिमाचल न्यूज़ में थे इलेक्शंस के चलते, तो गुजरात के में तो हमने देखा कि भाजपा फिर वहाँ पर आ गई। हमने डिटेल्ड वे में बताया था कि कब से वहाँ भाजपा जीतती चली आ रही है, और पर हिमाचल में क्या हुआ है, कांग्रेस इस बार यहाँ पर सरकार जीती है। और यहीं से हैं, इसी कांग्रेस सरकार से सुखविंदर सिंह सुखू जो यहाँ के सीएम बने हैं हिमाचल के। और साथ ही साथ अगर बात की जाए मुकेश अग्निहोत्री जी की, तो ये डिप्टी सीएम बने हैं।
तो कहा जा रहा है कांग्रेस लीडर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ली है हिमाचल के सीएम के रूप में, शिमला में ये इनकी शपथ ग्रहण सेरेमनी रही थी। और वहीं कांग्रेस के मुकेश अग्निहोत्री जी ये आपके डिप्टी सीएम रहे हैं इस राज्य के, ये जनरल सेक्रेटरी कौन, यहाँ पर लिख लीजिए सुखविंदर जी, राइट, सुक्खू ये क्या थे, ये जनरल सेक्रेटरी रहे हैं स्टेट यूनिट ऑफ कांग्रेस एफिलिएटेड नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के, और बाद में ये इसी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के जो हिमाचल में है इसके क्या बन गए, स्टूडेंट बॉडी के अध्यक्ष बन गए, सुक्खू साहब की बात करी जा रही है। ये एमए और एलएलबी हैं हिमाचल यूनिवर्सिटी से ही, और ये पहली बार 2003 में नदौन से इलेक्ट हुए थे, और फिर उसके बाद इनका कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात की जा रही है। और सुक्खू साहब भाई ये दूसरे सीएम रहेंगे हमीरपुर से डिस्ट्रिक्ट से भाजपा के प्रेम कुमार धूमाल के बाद, यानी कि प्रेम कुमार धूमाल जी इससे पहले यहीं थे, यानी कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट थे हिमाचल के, और अब हिमाचल के हमीरपुर से सुक्खू साहब हैं जो दूसरे नंबर के सीएम हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, राइट। मेनली आपको याद रखना है कि भैया सीएम कौन है एंड डिप्यूटी सीएम कौन है, दोनों चीज़ें, राइट। ये तो सीएम है, और ये अगर बात की जाए मुकेश अग्निहोत्री, ये डिप्यूटी सीएम रहते हैं, राइट, ओके। तो ये बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भैया अगर आपसे पोला चाहे, हाईएस्ट जो है पोलिंग स्टेशन आपको यहीं देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ देखते हुए चलते हैं इसके बारे में और आप क्या जानते हैं भैया, गवर्नर वगैरह अगर किसी को पता हो तो बताते चले, राइट, गवर्नर वगैरह कौन है यहाँ के क्या है ये भी बात बताते चले, ओके ओके। तो भाई जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश, ओके, तो यहाँ के बारे में अगर हम बात करें तो आपका जो है यहाँ पर इसकी समर कैपिटल शिमला और विंटर कैपिटल धर्मशाला होती है। वहीं अगर सीएम तो आपको पता ही है, गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये यहाँ के गवर्नर होते हैं, ठीक है। सीएम तो आपको पता ही है सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब है, और बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो पशु देखने को मिलता है वो होता है स्नो लेपर्ड, पक्षी वेस्टर्न ट्रैगोपन, फूल कौन सा होता है, पिंक रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, ओके। और ट्री जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है वो कौन सा होता है, वृक्ष होता है दियोदर सेडार, ठीक है, ये वृक्ष होता है। तो ये बातें हुई हिमाचल के बारे में। उसके अलावा आपको अभी पता है यहाँ पर अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ है, तो भैया ये भी आपका दुनिया का सबसे ऊंचा है, लाहौल स्पीति में, हिमाचल प्रदेश काजा में, हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 500 फीट पे ये स्टेशन जो हिमाचल में आपको मिलेगा, प्लस सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ भी आपको यहीं हिमाचल में मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हो गए इसके बारे में जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, FAO ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 हेल्ड इन इटली। अब जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये बहुत कुछ न्यूज़ में है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो 2023 का FAO की जो ओपनिंग सेरेमनी है ये रोम में, इटली के रोम में रहेगी, 2023 में ये होने वाली है। अगर आपसे पूछा जाए FAO क्या, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जो अपनी ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पर, यानी कि जो इनकी ओपनिंग सेरेमनी होगा, उद्घाटन समारोह होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का, ये रोम में होगा, वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोम में होगा। अब ऑफकोर्स भारत भी इसमें पार्टिसिपेंट है, तो भारत इंडियन डेलीगेशन से लीड करने वाली हैं सुश्री शोभा करंडलजे, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं, और इनके साथ श्रीमती शुभा ठाकुर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं यहाँ पर इसी की, तो ये भी इसकी ओपनिंग सेरेमनी में प्रेजेंट रहेंगी, राइट।
ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, इसकी बात करें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो ये भैया कब बात करी जा रही है, ये आपका कब मनाया जा रहा है, तो भैया 2023 में। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत पहले से कुछ डिक्लेयर्ड था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है 2023 में लॉन्च हुए हैं होगा, ठीक है, 2023 को डिक्लेयर किया गया इंडियाज वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ, मतलब इंडिया के कई सारे इवेंट्स भी इससे ही उपलक्ष्य में लॉन्च हुए थे। और बेसिकली बात की जाए FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सन 2018 में ही घोषित कर दिया था कि 2023 में हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जैसा कुछ मनाने वाले हैं, और इनके साथ भाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी ये अनाउंसमेंट किया था, राइट। तो ये यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन हुए थे। और अब फाइनली जब बात आ गई है मिलेट की, तो फाइनली अब 2023 आ रहा है, तो इसका इवेंट भी हो जाएगा जो FAO का द्वारा किया जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन होता है बाजरा का, मिलेट का, तो भैया नन अदर देन इंडिया होता है, ठीक है। कहा जाता है कि भारत पूरे दुनिया में 20% ग्लोबल प्रोडक्शन सिर्फ भारत से होता है, और 80% एशिया द्वारा, अगर इंडिया एशिया एशियन कंट्रीज में इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, राइट। तो इंडिया, नाइजीरिया और चाइना, ये तीन देश हैं। जब हम मिलेट्स की बात करते हैं तो इंडिया, नाइजीरिया और चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं मिलेट्स को, ये बात आप याद रखें। यानी कि अगर इंडिया, नाइजीरिया और चाइना का टोटल मिलाया जाए तो सिर्फ ये तीन देश मिलेट्स 55% मिलेट्स प्रोड्यूस करते हैं अपने देश का, पूरी दुनिया का, ये बात याद रखना, ठीक है, ओके। तो ये सारे पॉइंट होते हैं जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट होते हैं। अब स्टैटिक पॉइंट में हम क्या देखें, सबसे पहले जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात कही जा रही है, तो मुझे ये बताओ कि भैया एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, ठीक है। अब आप जानते होंगे कृषि एवं यहाँ पर किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास है, कोई बताएगा, आइडिया हो तो बताते चलना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यानी कि इंटर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर किनके पास है, तो भैया शोभा करंदलजे, ये नहीं नाम था, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी, लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री पे कौन है, तो भैया मिनिस्टर इंचार्ज कौन है, कौन है मिनिस्टर इंचार्ज, मेनली ये होते हैं आपके श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, राइट। क्या नाम होता है, नरेंद्र सिंह तोमर, ये नाम होता है, क्लियर है, जो आपके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देख रहे हैं, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन। तो ये यहाँ पर मंत्रालय की बात हो गई। अब बात आती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप क्या कह रहे थे, खाद एवं कृषि संगठन, कब फॉर्म हुआ था भैया, पूरी डेट के साथ याद रखोगे, 16 अक्टूबर 1945। क्यों डेट के साथ हम क्यों याद रखेंगे, इसलिए याद रखोगे क्योंकि वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है इसी 16 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर भैया यहीं पे है, रोम इटली में है, पर इसकी खोज जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, क्वेबेक सिटी है कनाडा में, वहाँ पर इसकी खोज हुई थी। और क्यू डोंग्यू इसके हेड है, ठीक है, क्यू डोंग्यू इसके हेड है, और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है इकोसॉक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्यू डोंग्यू साहब ये आपके चाइना से आते हैं, ठीक है, ये आपके चाइना से आते हैं, क्लियर है, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड फूड डे ये क्यों कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे, भैया 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और आपसे पूछा जाए किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि भैया इसी दिन FAO की फॉर्मेशन हुई थी, राइट, इसी दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई थी। तो चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया की लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू है लॉर्ड बुद्ध जी के, ये आपकी किस पिलग्रिम साइट पर हो रही, तो ये बुद्धिस्ट साइट है सारी की सारी। और कहा जा रहा है इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज बीइंग बिल्ट एट विच पिलग्रिमेज साइट, तो रिक्लाइनिंग इमेज का मतलब से लेटी हुई मूर्ति होती है ना, लेटी हुई मूर्ति होती है। और ये कहा जा रहा है भैया मार्च 2022 की न्यूज है, भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति है बुद्ध जी की, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कहाँ है, बोधगया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, या लुम्बिनी है, कहाँ पर है, तो ये रहेगा, क्या लग रहा है, 100 फीट लंबी
और 30 फीट ऊंची है ये, ठीक है, क्योंकि ये आपकी 100 फीट इंडिया की सबसे बड़ी है जो है लेटी हुई मूर्ति है, तो 100 फीट लॉन्ग एंड 30 फीट हाई ये आपको देखने को मिलती है, डायमेंशंस होते हैं। और कहा जाए 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, तो भैया बोध गया में। कहाँ पर कहोगे भैया? बोध गया में यहाँ पर ये मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। क्या यूपी में भी कहीं लेटी हुई मूर्ति है बुद्ध साहब की, बुद्ध जी की? तो भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति हमारी यूपी के कुशीनगर में है। कुशीनगर वो जगह है जहाँ से बुद्ध जी ने क्या करा था, जहाँ से बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण जो लाइफ आफ्टर डेथ वो अटेंड किया था। और यहाँ पर अगर हम बोध गया की बात करें, तो ये आपका बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के अंतर्गत, बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के अंतर्गत अंतर्गत इसे लाया बनवाया गया है। और ये आपकी यहाँ पर बुद्ध बुद्धिज्म साइट है, वेरी फेमस बुद्धिज्म साइट है जो आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? ओके, तो ये आपका बिहार में देखने को मिलती है। और यहाँ पर बुद्ध जी ने एनलाइटमेंट अटेन किया था। कहा जा रहा है यह वही जगह है जहाँ पर, यहाँ पर बिहार में ये प्लेस होती है जहाँ पर बुद्ध जी ने एनलाइटमेंट, कहा जाता है बोधि वृक्ष के रूप में जो है जाना जाता है, और यहाँ पर बुद्ध जी ने एनलाइटमेंट अटेन किया था, ये बेसिकली कहा जाता है, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ था बेसिकली, जहाँ पर आप कहते हैं ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहाँ पर आप इसे कहते हैं, ये आपका देखने को मिलता है। क्लियर है? ओके, तो सारनाथ में क्या होता है, डियर पार्क होता है। क्या होता है सारनाथ, जो कि आपका, आप बात करें, डियर पार्क है सामना सारनाथ में, जहां पर धर्म की पहली टीचिंग कहाँ, किसने, बुद्ध जी ने दी थी, धर्म की पहली टीचिंग बुद्ध जी ने दी थी यहीं पर सारनाथ में, ठीक है। और अगर मैंने आपसे बताया था कुशीनगर में, तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण अटेन किया था बुद्ध जी ने, और बोध गया में तो मैंने बताया था कि एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी, ठीक है, क्लियर है? तो किसी को कोई कंफ्यूजन, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन कॉल्ड युवा विज्ञानी कार्यक्रम और यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। विज्ञानी नहीं, विज्ञान नहीं होगा, विज्ञान होगा, राइट? क्या कहा जाता है, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ये किसके द्वारा कंडक्ट हुआ था भैया? मार्च की न्यूज़ वो भी है, और मार्च की न्यूज़ जहाँ तक आपकी ये भी है, मार्च के आसपास की न्यूज़ ये भी है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए मार्च की, मैंने कहा था ना कि सारे जो है देखेंगे शुरू से लेकर अब तक, तो यहाँ की पे बात की जा रही है कि आपको यहाँ पर कौन सा युवा विज्ञानी कार्यक्रम किसके द्वारा ये लाया गया था, DRDO, HAL, इसरो या भेल, क्या रहेगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्या रहने वाला है, फटाफट से बताते चले, इसरो या फिर भेल, क्या रहेगा बताते चले। सरकार का एक विजन चल रहा है, क्या विजन चल रहा है, जय विज्ञान जय अनुसंधान, राइट? जय विज्ञान जय अनुसंधान नाम का हमारी सरकार का विजन चल रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी कि युविका, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ये लाया गया। एंड ऑफ कोर्स ये किसके द्वारा लाया गया, इसरो, इसरो यानी कि यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वही भैया जो बैंगलोर में स्थित है, वही जो 1969 में स्टैब्लिश हुआ था, और वही भैया जो इसरो के हेड कौन है, इसरो के चेयरमैन का नाम अगर आपसे पूछें तो इस वक्त कौन है, के सिवान, नहीं के सिवान साहब नहीं है, क्या नाम होता है बताते चलो, क्या नाम होता है इनका, तो इसरो के चेयरमैन का नाम होता है यहाँ पर एस सोमनाथ साहब, ठीक है, एस सोम, के सिवान जी को तो वो राजभाषा अवार्ड मिला था, ये पूर्व अब इसरो के चेयरमैन है, ठीक है। और अगर मैं पूछूँ DRDO चेयरमैन कौन है, DRDO चेयरमैन कौन है, तो समीर वी कावत, याद रखना समीर वी कावत, एक्चुअली इन दोनों का क्यों बताना है, लेटेस्ट में कामत, लेटेस्ट में अपॉइंट हुआ, ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो ये बात याद रखना। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो युविका आपको फुल फॉर्म के साथ याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सुष्मिता शुक्ला ये पहली VP और CEO बनी, COO बनी है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। भैया बड़ी चीज होती है
जब हमारे भारत इंडियन ओरिजिन से कोई पर्सन ये इंटरनेशनल पोस्ट होल्ड करता है और वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये वीपीएन की वाइस प्रेसिडेंट हैं और सीईओ हैं, सीओओ हैं फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की, राइट। तो ये सेकंड हाईएस्ट पोस्ट दी गई है जो इनको दी गई है। नाम क्या है इनका? सुष्मिता शुक्ला। तो कहा जा रहा है सुष्मिता शुक्ला को ये फर्स्ट वीपी और सीईओ हैं, सीओओ हैं फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, स्पेशली जब आप बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो, तो वैसे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में अब आपको जो सब इसकी पहली, भैया फिर से देख लो, पहली वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं ये बनेंगी। इनका नाम होगा सुष्मिता शुक्ला नाम रहेगा, ठीक है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री वेटरन को ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेट कर चुकी हैं पहले, और ये भैया यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है इनकी, हाईएस्ट पोस्ट आफ्टर प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट और सीईओ हैं यहाँ के जॉन सी विलियम्स जो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रेसिडेंट और सीईओ हैं। और इन्हीं के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है वो होती है जो है वो होती है वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की, जो सुष्मिता शुक्ला जी को मिली है, राइट। ये यहाँ पर जब एक न्यूयॉर्क में बेस्ड एक कंपनी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कंपनी है और इंश्योरेंस कंपनी भी है, जिसमें जो है ये आपकी क्या बनी है, जिसकी ये हेड रही हैं पूर्व में, ठीक है, जिसमें इन्होंने पहले काम किया है, इनफैक्ट जिसमें इन्होंने पहले काम किया है, ये बड़ी पोस्ट थी जो इनके पास थी, ठीक है। और ये इसकी वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर भी रह चुकी हैं, ये इनके पास बड़ी पोस्ट थी। इसके बाद इन्होंने काफ़ी इसी सेक्टर में काम किया और अब फाइनली यहाँ पर क्या है, इसी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की ये वाइस प्रेसिडेंट बनी है, नाम है सुष्मिता शुक्ल। क्लियर है? वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। प्रेसिडेंट का नाम भी आपको पता होना चाहिए, जॉन विलियम्स, राइट। इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट समीक्षा जो कि बांग्लादेश में हो रही है, राइट। तो भारतीय नौसेना ने बांग्लादेश में पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट समीक्षा में भाग लिया है, पॉइंट टू बी नोटेड। और ये कहाँ चल रही है भैया? ये बांग्लादेश में हो रही है। अब इंडियन नेवी की कौन कौन सी शिप्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, कैसे क्या है, वो भी हम देखते हुए चलेंगे। कहा जा रहा है इंडियन नेवी डेलीगेशन लीड करी जाएगी, जो वाइस एडमिरल बिश्वजीत दास गुप्ता लीड करेंगे, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड के, और इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा है। और किस में? ये बेसिकली आपका इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करी मेड इन, यानी कि पहली बार जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू चल रहा है बांग्लादेश में, इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में ये चल रहा है, ये आपका इंटरनेशनल फ्लीट। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हिसाब से बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने भी इसको पूरा रिव्यू किया है। और यहाँ पर कहा जा रहा है बांग्लादेश नेवी के अलावा 8 शिप्स हैं जो 6 फॉरेन कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, जिसमें से भारत से सबसे ज़्यादा शिप्स गई हैं, जिसमें से फॉरेन जो जितने भी फॉरेन कंट्रीज गई हैं, इन फॉरेन कंट्रीज की नेवीज में से सबसे ज़्यादा जिस ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया है वो इंडियन नेवी का ही ग्रुप है। और टोटल 8 शिप्स में से 8 शिप्स जो 6 फॉरेन कंट्रीज लानी है, इसमें से सिर्फ 3 शिप्स जो कि सबसे ज़्यादा किसी भी फॉरेन कंट्रीज द्वारा लाई गई है, ये भारतीय नेवी द्वारा गई है, राइट। कहा जा रहा है अदर 5 जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, चाइना, मलेशिया और म्यांमार, थाईलैंड और यूएस, यानी कि कौन कौन से देश हैं, चाइना, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, यूएस, इंडिया और बांग्लादेश, ये 7 देश हैं, जिसमें से इंडिया से 3 शिप्स गई हैं और बाकी जो है कहा जा रहा है शिप्स चाइना, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और यूएस से गई हैं। और इसी प्रकार से टोटल 8 शिप्स गई हैं, राइट, यानी कि बाकी की 5 शिप्स इन 5 देशों में से गई हैं। 3 शिप्स जो इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो हैं कौन से? INS Kochi, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कवरेट और INS कवरेट्टी और यहाँ पर ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुमेधा, ये 3 है, INS Kochi, INS कवरेट्टी और OPV सुमेधा, ये 3 है जो हमारे यहाँ बिल्ट हुई हैं, डिज़ाइन हुई हैं और फिर वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहली इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है जो कि बांग्लादेश में हो रही है, पहली IFR है जो कि बांग्लादेश में हुई है। और कहा जा रहा है भैया 50 साल स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष में 6 दिसंबर को यहाँ पर कहा जा रहा है
हर साल जो कि मनाया जाता है यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि ऑफ कोर्स 6 दिसंबर को जो हमने बात करते हैं कि मैत्री दिवस मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में ये काम हुआ था। और यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लीट जो है, ये आपका इंटरनेशनल फ्लीट पहली बार ये बांग्लादेश में इस बार देखने को आपको मिल रहा है। क्लियर है? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इसमें से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में, यानी कि ये इंटरनेशनल लेवल पे एक आप कह सकते हैं इवेंट कराया जाता है नेवी द्वारा। और यहाँ पर आपके कई सारे देश थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, है ना, तो ये इंडियन नेवी कराती है हमेशा, और जो अदर नेवीज के साथ रिलेशन है उनको मजबूत करने के लिए करवाया जाता है। और मैत्री दिवस के उपलक्ष्य में इस बार ये बांग्लादेश में हुई है। क्लियर है? 50 साल पूरे हुए, क्लियर है? तो ये बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। अब इंडियन नेवी की जब हम बात करते हैं, यानी कि भारतीय नौसेना, इसके बारे में हम क्या क्या पॉइंट जानते हैं? तो सबसे पहले हम पॉइंट जानते हैं नेवी डे, जो अभी ताज़ा ताज़ा निकला है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। रीजन बींग 1971 इंडो पाक वॉर, ऑपरेशन त्रिदंत को हम याद करते हैं, ऑपरेशन त्रिदंत को हम याद करते हैं, राइट। नेवी चीफ कौन है? आर हरी कुमार साहब। क्या नाम होता है इनका? आर हरी कुमार इनका नाम होता है, ठीक है, ओके। फिर आपसे अभी पीछे एक बात कही गई थी, मैत्री दिवस, ये कब मनाया जाता है? मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 6 दिसंबर को, ठीक है। भारत और बांग्लादेश क्या मनाते हैं? मैत्री दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए इंटरनेशनल मॉर्निंग डे, यहाँ पर नेशनल मॉर्निंग डे कौन सा कब मनाया जाता है? तो ये आपका 15 अगस्त में कहाँ मनाया जाता है? बांग्लादेश में मनाया जाता है, क्योंकि फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश है शेख मुजीबुर रहमान जी। और मुजीबुर रहमान साहब के बारे में अगर बात करें, इनकी हत्या कर दी गई थी 15 अगस्त 1975 में, जिस वजह से राष्ट्रीय शोक दिवस बांग्लादेश इसी दिन मनाता है। क्लियर है? बांग्लादेश कैपिटल क्या होती है? ढाका। करेंसी टका, करेंसी क्या होती है? टका होती है, याद रखना, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट्स कुछ हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट होते हैं। अब यही ढाका में आपको बिम्स्टेक, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर भी देखने को मिलता है, ये भी आप याद रखेंगे, राइट। बोंगो सागर हो गया, सांप्रीति हो गया, ये सब एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती हैं। इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच प्लेस? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? प्रश्न आपका ये बनता है, ठीक है, बताते चले। बैंगलोर, गुरुग्राम, भोपाल या मुंबई? बैंगलोर, गुरुग्राम, यहाँ पर बंगाल या सॉरी बंगाल कर भोपाल या मुंबई। तो एक्चुअली अहिंसा विश्व भारती ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, और बेसिकली बात की जाए इसको हरियाणा के गुरुग्राम में लाया जा रहा है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ये बात याद रखें। और ये आपका दुनिया का पहला पीस सेंटर है जो लाया जाएगा, ठीक है, पीस सेंटर है जो लाया जाएगा। एम्बेसडर ऑफ पीस जो हैं, जो कहे जाते हैं जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी, ये यहाँ पर इनके द्वारा इसको यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, और ये गुरुग्राम में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहा जा रहा है इंडियन अमेरिकन सिंगर कौन है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है कलरफुल वर्ल्ड इन द बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम कैटेगरी में? इंडियन अमेरिकन सिंगर हु हैज वन अ ग्रैमी अवार्ड फॉर अ कलरफुल वर्ल्ड इन द बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम कैटेगरी। अब जो कि क्योंकि ये भारतीय अमेरिकी हैं तो इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है। निकी मिनाज, तत्याना अली, नोरा जोनस या फाल्गुनी शाह, क्या नाम होता है इनका? तो भैया ये याद रखना है, क्योंकि इंडियन अमेरिकन है इसलिए तो इनका नाम याद रखना, इंडियन जुड़ गया इनके नाम के आगे। और ये कौन है? फाल्गुनी शाह इनका नाम होता है। क्या नाम होता है भैया? फाल्गुनी शाह इनका नाम होता है, ये बात याद रखें, ठीक है, ओके ओके। अब भाई बात करी जा रही है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, हमने पहले इसके बारे में कुछ बताया था, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? पहले इसके बारे में कुछ बताया था, बात की थी, क्या बात की थी, ये इवेंट कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी बातें हमने आपको बताई थी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है भाई, ये इवेंट हो रहा है, ठीक है, ये एक इवेंट हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है? इंटरनेशनल यूनिवर्सल अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, क्या कहा जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे,
हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है, और भैया इसको कौन प्रमोट करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब कहा जा रहा है आप यहाँ भैया 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनमें से एक गोल है आपका कौन सा? यही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। देखो हमारे यहाँ अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, राइट, तो हमारे यहाँ कई सारे यहाँ पर सतत विकास गोल्स हैं, सतत विकास जिनको आप क्या कहते हैं यहाँ पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य हैं जो कि सेट किए गए, राइट। और ये जो है 2015 से 30 के लिए, 2015 से 2030 के लिए जो ये गोल्स सेट अप किए गए हैं, इनमें से एक गोल है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। किसका गोल है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। और कहा गया है, यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया है, हर साल 12 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है, और कहा जाता है कि अपनी हेल्थ के लिए भाई जागरूक होने के लिए जो भी स्टेप्स लेने, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बारे में यूएससी बात करता है। और कहा गया है कि भैया दुनिया को हेल्थ कवरेज के पास लाना, यही हमारा लक्ष्य है 2030 तक का। और 12 दिसंबर 2017 को यूनाइटेड नेशंस ने, राइट, यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाएगा, रिजोल्यूशन 72/138 के अंतर्गत ये कहा गया था, और इसीलिए 12 दिसंबर को आप कुछ ऐसा दिवस मनाते हो। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपके टोटल 17 गोल्स दिए गए हैं, जिसमें से आपका नो पावर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, काफ़ी सारे आपके गोल्स दिए गए हैं, 17 गोल्स होते हैं। क्लीन वाटर, सैनिटेशन, फिर आपका आता है एफॉरेस्टेशन एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे आपके 17 गोल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से एक गोल है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। अब मेरा ये क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यहाँ पर मुझे, अरे मैंने स्लाइड नहीं लाए, चलो यहीं बता देते हैं, ठीक है। दो सवाल हैं, सबसे पहले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं? संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप कहते हो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये आपका कब आ रहा है? 7 अप्रैल 1948 को एस्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। टेड्रोस एधेनोम, हेड कौन है? टेड्रोस एधेनोम, ठीक है। ये अभी सेकेंड 5-year टर्म के लिए इलेक्ट हुए, सेकेंड टर्म के लिए इलेक्ट हुए हैं, और इथियोपिया से आते हैं, ठीक है। क्या आप 7 अप्रैल को कोई दिवस मनाते हो? 7 अप्रैल डे सेलिब्रेट करते हो कोई? कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हो? वर्ल्ड हेल्थ डे, और इसीलिए सेलिब्रेट भी होता है। इसी 7 अप्रैल को आप विश्व स्वास्थ्य दिवस, या फिर जिसे आप कहते हो वर्ल्ड हेल्थ डे, ये मनाया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये दिवस आपका मनाया जाता है। और अगले 5-year टर्म के लिए भैया टेड्रोस एधेनोम साहब यहाँ पर रहे हैं, जिन्होंने लीड किया, राइट। नेक्स्ट 5-year, अगले 5-year टर्म के लिए यहाँ पर ये रहे थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट एक और आता है, अभी हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कौन सी सिटी में मनाया गया, राइट? ये दिवस किस सिटी में मनाया गया, ये न्यूज़ थी हाल ही में, और भैया इसको मनाने के लिए कोई सिटी थी जहाँ पर ये मनाया गया था। मैंने अभी बताया भी था, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था कि भैया ये आपका कौन सी मंत्रालय, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन्होंने कहा था कि ये दिवस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कहाँ मनाया जाएगा, कहाँ मनाया जाएगा इवेंट? 10 और 11 तारीख को मनाया जा चुका है वाराणसी में, राइट, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ये मैंने बताया था कहाँ पर, वाराणसी में ये दिवस मनाने की बात की गई थी, कहाँ पर? वाराणसी में ये दिवस मनाने की बात की गई थी, और इस इवेंट को इनॉग्रेट किया था उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने,
राइट इस इवेंट को इनॉग्रेट किया था उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी ने, और ये पूरी न्यूज़ मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले यानी कि शायद 10 तारीख को ही मैंने बताई थी कि 2 दिवसीय इवेंट है, 9, 10 या 11 तारीख को मैंने बताई थी इवेंट रह रहा है जिसको जिसमें आपका ये कहाँ पर वाराणसी में ये इवेंट आपको देखने को मिलता है, कहाँ पर वाराणसी में ये इवेंट आपको देखने को मिलता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट न्यूज है एशले बार्टी, भैया इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रेस्टीजियस डॉन अवार्ड, सॉरी दूसरी बार, ठीक है, एशले बार्टी ने जीता है ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रेस्टीजियस डॉन अवार्ड, क्या कहा जाता है डॉन अवार्ड, और दूसरी बार ये अवार्ड इन्होंने जीता है, प्रतिष्ठित अवार्ड है डॉन पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया का, और ये कहाँ से है भैया ऑस्ट्रेलिया ही से है, कहाँ से हैं ऑस्ट्रेलिया से, आपसे पूछा जा सकता है डॉन अवार्ड कहाँ का बड़ा सम्मान होता है, तो आप इनको देख रहे हैं भाई, ये हैं भाई एशले बार्टी जी, ये एशले बार्टी जी वेरी फेमस टेनिस प्लेयर, जी हाँ बहुत फेमस टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, तो एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं विमेन सिंगल टाइटल जनवरी में, और इनको ये डॉन अवार्ड जीता है जो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा सम्मान होता है, और ये ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करती हैं, राइट, तो कंट्री में एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं डॉन ब्रैडमैन, राइट, इस देश के एक लेजेंडरी क्रिकेटर रह चुके हैं जिनका नाम है डॉन ब्रैडमैन, और इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड आता है, राइट, इन्होंने 2019 में पहली बार ये अवार्ड जीता, और अब 2022 में फिर से ये अवार्ड इन्होंने जीता, और ये तीसरी हैं हर्डल सैली पियर्सन, उसके बाद हर्डलर हैं सैली पियर्सन, और जिन्होंने 2 बार ये अवार्ड जीता 2012 और 14 में, पोल वॉल्टर स्टीव हुकर जिन्होंने 2008 और 9 में ये अवार्ड जीता, यानी कि तीसरी ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने 2 बार ये अवार्ड जीता, यानी कि पहले एशले बार्टी 2019 में अवार्ड जीत चुकी हैं, अब 2022 में भी जीती हैं। डॉन अवार्ड ये किसी प्लेयर को दिया जाता है जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि भयंकर अच्छा यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता है किसी भी पिछले सालों में, और कहा जाता है अगर एशले बार्टी की बात किया जाए, और ये आपका ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, हाईएस्ट ऑनर होता है ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, राइट, बाल्टी जो ना वर्ल्ड नंबर 1 रैंक हो चुकी हैं, इन्होंने डिफीट किया था डैनियल कॉलिंस को यहाँ पर जो है और एक इवेंट में, और इन्होंने विम्बलेडन ओपन भी 2021 में जीता और फ्रेंच ओपन भी 2019 में जीता, किसने एशले बार्टी, क्लियर है क्या नाम रहता भैया एशले बार्टी। अब अगर हम बात करते हैं तो ये टेनिस प्लेयर हैं, वेरी फेमस टेनिस प्लेयर हैं, और क्या है इन्होंने इससे पहले क्या किया था, रिटायरमेंट भी घोषित किया था, राइट, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी थी, ठीक है, टेनिस से ये भी बात हुई थी, और जो है ये आपकी कहाँ से ऑस्ट्रेलिया से, काफ़ी सारे ओपन वगैरह भी इन्होंने जीते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, विम्बलेडन की बात करें, फ्रेंच ओपन की बात करें, अलग अलग वर्षों में इन्होंने ये अवार्ड जीते, राइट, ठीक है, और आपको तो पता ही है कि अगर हम बात करते हैं ओपन की, अगर हम बात करते हैं टेनिस ओपन टूर्नामेंट के बारे में, तो यहाँ पर कहा कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं, तो ये आपके जो टूर्नामेंट होते हैं इसमें आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ग्रैंड स्लैम जिसे आप कहते हो, क्या कहते हो, ग्रैंड स्लैम कहते हो, तो यहाँ पर आपके बेसिकली कहा जाए कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं, एक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर आपका विम्बलेडन ओपन होता है, फिर आपका US ओपन होता है, राइट, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, US ओपन होता है, और आपका विम्बलेडन ओपन होता है, फिर लास्ट में US ओपन होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर होता है ये इवेंट, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि US ओपन इस बार का किसने जीता तो आप बता पाओगे, मैं पूछूं US ओपन तो भैया US ओपन के विनर लिख लो यहाँ पर, ठीक है, तो US पहले होता है, विम्बलेडन सबसे बाद में होता है, राइट, US ओपन विनर बता पाओगे, तो मेन सिंगल में जिन्होंने जीता है ये हैं आपके सी एल्कारास गार्फिया, और महिलाओं में किसने जीता, विमेन्स में ईगा स्वैटिक ये इनका नाम होता है, ईगा स्वैटिक ये इनका नाम होता है, ठीक है, तो भाई एल्कारास साहब ने जीता और ईगा स्वैटिक ने ये पुरस्कार जीता, ठीक है, एल्कारास आपके स्पेन से आते हैं, कहाँ से आते हैं, स्पेन से आते हैं, और ईगा स्वैटिक कहाँ से हैं, ये पोलैंड से हैं, कहाँ से हैं ये भैया, पोलैंड से है, ये बात याद रखना, कहाँ से आती हैं, पोलैंड से आती हैं,
क्लियर है? ओके, तो ये आपका यहाँ पर सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है? ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये सारे पॉइंट होते हैं, किसने क्या जीता, और फिर आपका ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच, उसके बाद आपका यूएस होता है, विम्बलेडन होता है, फिर यूएस होता है, ठीक है? ऐसे होता है। केरॉन पोलार्ड ने हाल ही में संन्यास लिया है, और ये किस देश से ऑलराउंडर रहे हैं? केरॉन पोलार्ड अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज ऑलराउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? बताते चले, किस देश के ऑलराउंडर? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे या इंग्लैंड? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे या इंग्लैंड? कहाँ से? कहाँ से बताते चले क्या रहेगा? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज प्लेयर, ठीक है, ओके। इसके अलावा ये जो है मुंबई इंडियंस टीम के भी इंटीग्रल पार्ट रह चुके हैं, और ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। अगला आ रहा है कि यहाँ पर हु हैज क्लिंच्ड इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट कप हेल्ड इन कायरो इजिप्ट? इसमें से कायरो इजिप्ट में, यानी कि अब आपने इनका नाम कहाँ सुना होगा, ये क्वालिफायर भी हैं भैया, ओलंपिक क्वालिफायर भी हैं, मतलब क्वालिफाई कर रहा है इन्होंने ओलंपिक के लिए, रुद्रांश पाटिल। क्या नाम है भैया? रुद्रांश पाटिल। और ये भाई क्या है, इन्होंने अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट्स कप जो है रहा था इवेंट, इसमें इन्होंने यहाँ पर जो है जीता है और खिताब जीता है। और ये अगर आपसे बात की जाए, इन्होंने इटली के डेनिलो सोलाजो को हराया है भैया, ये पूछा जा सकता है, इटली के डेनिलो सोलाजो को इन्होंने हराया है। और भाई कहा जाता है कि आईएसएसएफ प्रेसिडेंट कप, अगर हम 2021 की बात करें, इंडिया ने 5 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रांज, 1 ब्रॉन्ज। और अगर आपसे पूछा जाए कि रुद्रांश पाटिल, क्या रुद्रांश पाटिल इनका नाम आपने पहले कब पढ़ा था, तो भैया इनका नाम इसलिए पढ़ा था क्योंकि एयर फायर क्वालिफिकेशन, इन्होंने एयर राइफल क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई कर लिया इन्होंने। और भाई किसके लिए, जो आपका ओलंपिक होने वाला है पेरिस में, उसके भी भैया ये क्वालिफायर बन चुके हैं, राइट, 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी। एक्चुअली इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और वहाँ पर भी इन्होंने डेनिलो सोलाजो इटली के हैं, उनको हराया था। और इसी के साथ भैया इनकी एंट्री हो गई थी, इनका सिलेक्शन हो गया था किसमें, ओलंपिक्स में इनका क्वालिफाई कर लिया था पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। क्लियर है? ये पॉइंट इनके यहाँ से इम्पॉर्टेंट उठ के आता है, इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर यानी कि कल के दिन मनाया गया यूनिसेफ डे, ठीक है। आइए बात करते हैं क्या कहा जा रहा है। तो हर साल यूनिसेफ डे मनाया जाता है 11 दिसंबर को, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? यहाँ पर बच्चों को, यहाँ पर सेविंग चिल्ड्रन लाइफ बाय डिफेंडिंग एंड हेल्पिंग देम, ऑफ कोर्स बच्चों के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद यहाँ पर लोगों को असिस्ट करना, जिनको मदद की ज़रूरत है उनके लिए ये लाया गया था दिवस। और 1953 में यूनिसेफ परमानेंट एजेंसी बनी, जैसे यूनाइटेड नेशंस की इन्होंने कहा कि 1946 में यूनिसेफ ने कहा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अनाउंसमेंट हुआ कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के को ये दिन डेडिकेट किया जाएगा। और नॉर्मली वर्ल्ड वॉर टू के बाद लोगों की मदद करने के लिए आया था, लेकिन 1946 में यूएनजीए ने कहा कि यूनिसेफ जो है ये डेडिकेट किया जाएगा, किसको, यूनिसेफ को ये दिन डेडिकेट किया जाएगा। और इसीलिए इस दिन को आप किस नाम से मनाते हैं, यूनिसेफ डे के नाम से मनाते हैं। अब जब यूनिसेफ के बारे में बात करते हैं तो ऑफकोर्स हमको इसके बारे में पता भी होना चाहिए, कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, क्या है, कब बिल्ड हुआ। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसे आप कहते हो यूनिसेफ, ठीक है। अब ये कब बिल्ट हुआ, ये आपका 1946 के आसपास ही आया, ठीक है, 1946 के आसपास ही आया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में होता है। और हेड कौन है कि कैथरीन रसल, अध्यक्ष को प्रेसिडेंट को कैथरीन एम रसल इनका नाम होता है।
यूएस से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? यूएस से। ठीक है, एक और पॉइंट इम्पॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं? कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं यूएन के? यूएन के यूनाइट कोई बता पाएगा? अगर मैं पूछूं यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल ऑर्गन्स तो कितने होते हैं? टोटल आपके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, टोटल कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं? तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? आपका एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, लिख लो, यूएनजीए, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनिसॉक, यूएन इकोसॉक यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, यूनाइटेड नेशन जिसे आप कहते हो इकोनॉमिक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक कहा जाता है, राइट। फिर आपका आता है यहाँ पर ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसकी एग्जिस्टेंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो फिनिश हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें काउंट किया जाता है। और सेक्रेटरेट सेक्रेटरेट, और फिर आपका बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो द हेग नीदरलैंड में स्थापित है, राइट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इकलौती यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स है कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, जस्टिस इकलौती यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूयॉर्क में नहीं हेडक्वार्टर्ड है, द हेग नीदरलैंड में, राइट। आप कहोगे फिर ये यूनिसेफ यूनेस्को ये क्या आपने बताया, ये क्या नहीं होती है? ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होती हैं, ये आपके सहायक ऑर्गन्स कहे जाते हैं, राइट, ये आपकी स्पेशलाइज्ड बॉडीज कही जाती हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स नहीं कहे जाते। प्रिंसिपल ऑर्गन्स सिर्फ और सिर्फ ये 6 ही होते हैं, ठीक है, क्लियर है। सिविल सर्विसेज डे, सिविल सर्विसेज डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? भारत में सिविल सर्विसेज दिवस कब मनाया जाता है, क्या रहेगा, कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 19 अप्रैल, 18 अप्रैल या 17 अप्रैल? और यदि आपको पता है कि भाई कोई और दिवस आते हैं, आपको लगता है अप्रैल में याद है तो वो भी बताते चले। तो भैया 21 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं, इस दिन मनाया जाता है यहाँ पर जो है कहा जाता है सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। और मनाया क्यों जाता है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया क्यों जाता है? कहा जाता है कि यहाँ पर इन्होंने दिल्ली मेटकाफ हाउस 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एड्रेस किया था और कहा था कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वे होते हैं स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। सिविल सर्वेंट्स को इन्होंने किसने भैया पटेल साहब ने कहा था कि ये होते हैं स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ये कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट्स होते हैं। और ये कहाँ कहा था, किसने कहा था? ये भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था, जब ये क्या होते, जब ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था, तब जब ये कहाँ के, जब ये आपके पहले होम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। और इसी चीज़ को याद करने के लिए कहा जाता है। और इस अवसर पर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पेश किया जाता है इस साल हर दिन, राइट, इस साल हर दिन ये पेश किया जाता है यहाँ पर दिवस, ठीक है, इस दिवस में ही पेश किया जाता है। क्यों मनाया जाता है समझे, ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें कि क्या 19, 18 और 17 अप्रैल को भी कोई दिन होता है? 19, 18 और 17 अप्रैल, तो 17 अप्रैल को तो पहले सुन लो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, क्या कहा जाता है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, और 19 अप्रैल को आप मनाते हो वर्ल्ड लीवर डे, वर्ल्ड लीवर डे। ये आपके अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं। एंड सिविल सर्वेंट्स डे क्यों आपने मनाया, किस लिए मनाया, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है इसको, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड, भैया 2022 में इसको हर साल दो बार मनाया जाता है, ये याद रखना, हर साल दो बार मनाया जाता है, एक बार मई में मनाया जाता है, एक बार अक्टूबर में मनाया जाता है। अब ये अक्टूबर में तो 8 अक्टूबर को मनाया, मई में कब मनाया गया ये आपको बताना है, मई में इसकी थीम क्या है भैया, थीम अभी तो बताई थी 8 अक्टूबर के आसपास, लाइट पॉल्यूशन,
8 अक्टूबर को कोई और दिवस भी याद आ रहा है? कहीं आप एयरफोर्स डे तो नहीं याद करो? तो जी बिल्कुल, एयरफोर्स डे भी आपका, इंडियन एयरफोर्स डे भी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को आपका ये भी मनाया जाता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी मनाया जाता है। और यहाँ पर वहीं 14 मई को भी ये दिन मनाया गया। थीम क्या थी? लाइट पॉल्यूशन थीम थी इस बार की, राइट थीम थी। हर साल आपसे पूछा जाएगा कि कब मनाया जाता है ये दिवस, तो साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार मई में, एक बार अक्टूबर में। और वो भी कैसे? मई में एक बार, अक्टूबर में, और वो भी कब? सेकंड सैटरडे तो नहीं मनाया जाता है। तो भाई ये अगर बात की जाए, सन 2006 से इसको हमेशा मनाया जाता है। और बेसिकली बात की जाए तो ये आपका दिवस कब मनाया जाता है, आई थिंक तो ये कुछ सैटरडे या कुछ ऐसे होता है उसमें मनाया जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये दिवस आपका मनाया जाता है। लाइट पॉल्यूशन इसकी थीम रहती, राइट? क्या थीम रहती? लाइट पॉल्यूशन इसकी इस बार की थीम रहती, ठीक है। अब मुझे दिवस नहीं एग्जैक्ट, शायद सैटरडे को या मनाया जाता है, कोई सैटरडे होता है। ये स्ट्राइक अभी नहीं कर रहा, राइट? थोड़ा सा स्ट्राइक होगा तो बता देंगे। और भाई यहाँ पर बात की जाए, मई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे आप मनाते हो? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 15 मई की, 14 मई के बाद आप मनाते हो 15 मई, कौन सा दिवस मनाया जाता है यहाँ पर बताते चलो। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। 12 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेस डे, नर्सेस डे। और 11 मई को क्या मनाया जाता है भैया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राइट? पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट 11 मई 1998 को हुआ था, इसीलिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी इसी दिन मनाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है। और आपसे बता, अगर बात की जाए तो आप 14 मई को मनाते हो वर्ल्ड, यहाँ पर अक्टूबर में भी आप क्या मनाते हो? अक्टूबर में भी आप मनाते हो माइग्रेटरी बर्ड डे, और एक आप मनाते हो ऑफ कोर्स मई में भी मनाया जाता है। क्लियर है? ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऐसे आते हैं। 8 और मैंने बताया 8 अक्टूबर को, और कौन सा दिवस मनाते हो? 8 अक्टूबर को आप मनाते हो एयरफोर्स डे। बेसिकली बेटा यार को सेकेंड सैटरडे होता है, राइट? मुझे यही कन्फ्यूजन था, सेकेंड सैटरडे होता है, सेकेंड सैटरडे ऑफ मे हर साल भी पूछा जा सकता है ना, और सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर, ये ऐसे आता है, 2 बार मनाया जाता है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आ रही है। एक दिवस मनाया जा रहा है जिसे आप कहते हो कार्तिगई दीपम चैरियट फेस्टिवल, कहाँ पर? मदुरई में। कार्तिगई दीपम रथ उत्सव मदुरई में आयोजित किया गया। बात करते क्या कहा जा रहा है, तो कार्तिगई दीपम चैरियट फेस्टिवल ये आपका परंगुरम मदुरई में इसको मनाया जाता है। और 2 साल के गैप के बाद, कोविड-19 महामारी यानी कि कोविड-19 पैनेडमिक के बाद की वजह से 2 साल ये इवेंट नहीं हुआ, ये फेस्टिवल नहीं हुआ, और फिर से ये हुआ, फिर से अब ये आयोजित किया गया है। कहाँ? मदुरई में। बहुत पुराना फेस्टिवल होता है और ये केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इसको मनाया जाता है, और इसका मेन इवेंट मदुरई में रहा, ठीक है। कहा जाता है तमिलनाडु में के इतिहास साहित्य में इसकी वर्णन किया गया है, और तमिल से इसको अहना नूरू भी कहते हैं, इसका मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ठीक है। तो अहना नूरू में इसका वर्णन किया गया है, जिसे अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स कहा जाता है, और इसको तमिलनाडु में, इसको तमिलनाडु में यहाँ पर आयोजित किया गया, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसको, या इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट बुक्स ऑफ संगम लिटरेचर, ये आपके संगम लिटरेचर के वन ऑफ द ग्रेट बुक्स है जिसमें इसका वर्णन किया गया है। और कहा गया है कि कार्तिकेय दीपम यानी कि पोएम्स का, यानी कि इसका, यानी कि वर्णन हुआ है इन पोएम्स में, राइट? मदुरई में ये इवेंट आपको मेनली ये देखने को मिला। क्लियर है? ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल होता है, ये बात याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए कि सिटी ऑफ, बेसिकली कहा जाए सिटी ऑफ टेम्पल्स किसे कहा जाता है, तो बता पाओगे सिटी ऑफ टेम्पल्स किसे कहा जाता है? ये आपका भुवनेश्वर को कहा जाता है, ठीक है। ऑफकोर्स साउथ इंडिया सिटी है, जिसे आप क्या कहते हो, टेम्पल सिटी भी कहते हो, सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हो। क्लियर है? तमिलनाडु से अगर आपकी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट आती है, कितनी? तमिलनाडु से अगर आपसे बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट आती हैं, कितनी? 14 रामसर साइट तमिलनाडु से आती है। कितनी? 14 रामसर साइट्स तमिलनाडु से आती हैं, जो कि हाईएस्ट है।
1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन होता है, ये दिन मनाया जाता है, चेन्नई कैपिटल रहती है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट सिटी भी है, सीएम कौन है, एमके स्टालिन, गवर्नर आर एन रवि। लोकसभा की 39 सीटें और राज्यसभा की 18 सीटें देखने को मिलती हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद कहा जा रहा है जो डांस फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, भरतनाट्यम। पशु नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर, ठीक है। पक्षी एमरल्ड डव, क्या नाम होता है, एमरल्ड डव। फूल ग्लोरोइसा लिली, ग्लोरोइसा लिली, ठीक है, ये फूल होता है। और खेल अगर हम बोलें तो कौन सा होता है, कबड्डी खेल होता है। एंड यदि हम बात करें वृक्ष, तो ये वृक्ष होता है आपका पाम ट्री, पाम ट्री। मीनाक्षी टेम्पल एंड ऐसे कई फेमस टेम्पल्स भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। रामसर साइट रट लो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं, पहले यूपी में थी, 10 साइटें हैं, 10 साइट्स हैं यूपी में अभी भी, लेकिन 14 रामसर साइट्स। अभी आपका यहाँ पर एक डिक्लेरेशन हुआ था ना कि भारत में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, भारत में टोटल 75 रामसर साइट्स हैं एंड इसमें से 14 रामसर साइट्स आपकी तमिलनाडु में, विच इज़ द हाइएस्ट अमंग स्टॉल, विच इज़ द हाइएस्ट अमंग स्टॉल, ये बात याद रखें, क्लियर है, ओके। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल, ये अभी कहाँ मनाया गया, लूसोफोन क्या होता है, पोर्तुगीज से इसको रिलेट किया जाता है। लूसोफोन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया हाल ही में, गोवा में मनाया गया, याद रखना। आपको जैसे कि पता है कि गोवा में पुर्तगालियों का राज रहा था 1961 के आसपास, 19 दिसंबर 1961, आप गोवा लिबरेशन डे भी अपने यहाँ मनाते हो, तो गोवा आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों के राज से, और उन्हीं की कुछ से रिलेटेड होता है लूसोफोन, और इसी के लिए इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल मनाया जाता है। इसको जो है यहाँ पर मीनाक्षी लेखी जी, जो आपकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ये यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर रही थी, और ये आपका लूसोफोन फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। गोवा कैपिटल पणजी, सीएम होते हैं प्रमोद सावंत जी, और गोवा के गवर्नर हैं एस श्रीधरन पिल्लई साहब, और गोवा में के कैपिटल पणजी आपकी मंडोवी नदी के किनारे भी बसी होती है, ये बात भी याद रखें, राइट, क्लियर है। ओडिशा में कौन सा फेस्टिवल, बोइता बंदाना, ऐसे तो आपका रथ यात्रा भी होती है, ठीक है, आपका नुआखाई जुहार या नुआखाई फेस्टिवल या नुआखाई जुहार भी कहते हो, ये मनाया जाता है। शिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर का है, शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ का है, शिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर का है। और एक फेस्टिवल अभी यहाँ पर मनाया गया था, वंगल फेस्टिवल, ये कहाँ का है, वंगाल फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया गया था, मेघालय में, ड्रम फेस्टिवल कहा जाता है, वंगाल फेस्टिवल कहा जाता है, ये मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है, शिलोंग में मनाया जाता है भैया, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका मेघालय के शिलोंग में हमेशा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है, ये यहाँ का होता है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर त्यौहार हैं जो आपके मनाए जाते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है, ओके ओके। अब कहा जा रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट स्टेट्स ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट के अभी हाल ही में किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, कहा गया हु हैज बीन अपॉइंटेड एट उत्तराखंड गवर्नमेंट एज द स्टेट्स ब्रांड एम्बेसडर, इस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके हैं ऋषभ पंत, प्रसून जोशी, जावेद अख्तर या अनुराग कश्यप, कौन रहते हैं, तो भैया ये आपके नाम होता है इनका प्रसून जोशी, नाम होता है प्रसून जोशी, और ये आपके भैया ये जो है चेयरमैन भी हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंसर बोर्ड के, राइट, ये इनके पास बड़ी पोस्ट है, चेयरमैन भी हैं ये आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है, ओके। तो इन्होंने भाई लिरिक्स लिरिसिस्ट भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं,
और इनके जो है अवार्ड विनिंग जो स्क्रिप्ट है जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग, इनकी वन ऑफ द अवार्ड विनिंग स्क्रिप्ट्स में से एक है। और भाई इनको जो है कहा जा रहा है, इनको अभी हाल ही में उत्कर्ष गौरव सम्मान भी दिया गया है, राइट। इस जो है महीने के स्टार्टिंग में उत्कर्ष उत्तराखंड उत्कर्ष कह रहे हैं ना उत्तराखंड गौरव सम्मान कुछ लोगों को दिया गया था ना, उनमें से एक ये थे। और इनको यंग ग्लोबल लीडर बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी दिया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर भी इन्होंने 2006 में दिया गया है। और पहले एशियन जिन्हें ज्यूरी प्रेसिडेंट बनाया गया केन्स इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी का 2014 में यही रहे। तो अगर फर्स्ट एशियन प्रेसिडेंट जो ज्यूरी प्रेसिडेंट बनाए, फर्स्ट एशियन जो कि ज्यूरी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं केन्स फेस्टिवल के, केन से इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी के, तो 2014 में इन्हीं को प्रसून जोशी जी को बनाया गया था, राइट। तो ये कुछ थे महत्वपूर्ण पॉइंट इनके बारे में जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली कहा जाए रेलिवेंट बनते हैं, क्लियर है। तो भैया ये था ओवरऑल सेशन, सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताते चलें। सभी को फ्रूटफुल लगा होगा सेशन, और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं साथ रहेंगे आपके सक्सेस तक, तो ये हमारा यहाँ पर एक मोटो है, एक वादा है आपके साथ, और आपको भी भाई हमारे साथ रहना है और तो लोगों को जोड़ते चलना है। तो प्लीज़ सेशन को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आई होप सो सेशन सभी को फ्रूटफुल लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। इसी तरह सेशन करते हैं वाइंड अप। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हर हर महादेव, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।